हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बैठे हैं डीएसपी संतोष पटेल सर के साथ में। उन्होंने 15 महीने के अंदर पीएससी की परीक्षा पास की थी, तो अपने विचार साझा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाएंगे, सर आंसर देते जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और धन्यवाद। चैनल का नाम क्या है भाई? चैनल का नाम है यहाँ पर हमारा साला, यानी कि स्टडी एंड लर्निंग अड्डा, हमारा नया चैनल का नाम है। बेसिकली हमारा जो दूसरा चैनल था, पुराना चैनल था, वो हमारा डिलीट हो चुका है, तो इस चैनल में हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये बताइए, सबसे पहले तो सर अपना नाम बता दीजिए और अपना स्टार्टिंग का, मतलब जहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट की हो। थैंक यू। मैं संतोष पटेल और मैं पन्ना ज़िले का रहने वाला हूँ। पन्ना ज़िले में अजयगढ़ तहसील है, वहाँ एक छोटा सा गांव है। यस सर। और बेसिक सा जो सभी का वो रहता है, जीवन का, जीवन की कहानी की वो पढ़ते हैं धीरे धीरे। गांव में हम गांव से निकले हैं, गांव में पढ़ाई की 1 से लेकर 8 तक, फिर उसके बाद 9वीं से 12वीं तक एक्सीलेंस स्कूल में पढ़े, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद कुछ दिन तक तो इस बात पर रहे कि दो चीज़ें बड़ी जीवन में गुमराह करती हैं, या तो बोलते हैं ना कि गांधी जी के विचार पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन गांधी जी वाला कागज़ नोट वो बड़ा आकर्षक रहता है और वो लोगों को गुमराह करता है। तो उसी में थोड़ा सा हम लोग भी इंजीनियरिंग के समय वो थे, दूसरे सोचे कि बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे और बहुत जल्दी कुछ अच्छा कर लेंगे, इस चक्कर में हमने पढ़ाई उड़ाई को थोड़ा सा किनारे कर दिया था। उसके बाद फिर जब समझ में आया कि नहीं नहीं हमें पढ़ना चाहिए, उसी में हमारा भविष्य उज्जवल होगा, तो फिर से शुरुआत की थी। और बड़ा अच्छा लगा था कि मुझे याद है 3 अगस्त 2015 को मैंने पढ़ना शुरू किया था और 1 अक्टूबर 2016 को मेरा फाइनल हो गया था डीएसपी के लिए। तो मुझे याद है आज भी कि वो 15 महीने कैसे गुजरे थे, कैसे कितनी मेहनत की थी, तो बहुत जल्दी हो गया था। इस बीच में बहुत कुछ होता है मेरे को। जब हम उस समय गुमराह थे, उस समय का मुझे याद है कि हम क्यों वापस लौटे, कैसे हुआ, घर परिजन, घर वाले, परिवार वाले तो चाहते हैं कि पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो अच्छी नौकरी लगे, और अपने देश में बहुत से अधिकतम जो सामान्य परिवार है, गांव के लोग हैं, वो सरकारी नौकरी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उन्हें लगता सब कुछ पा गया हमारा बेटा अगर सरकारी नौकरी में हो गया। तो वो चीज़ थी, वो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम उस समय थे कि मतलब कैसे हम जीवन में, मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया था क्या था। तो वो चीज़ें हमें जीवन में अपने ध्यान देना, प्राथमिकता किस चीज़ पे है, तो उसको प्राथमिकताएं हमें मालूम है कि हम इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हमारे उद्योगपति के लड़के नहीं कि हमारे को पूरी फैक्ट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी, पूरा नाम वो अरबों रुपए का जो व्यापार है तो वो मिल जाएगा। हमें मालूम है वो खेती किसानी वाले हैं, वो एक बार अप्रैल में खेती कट गई तो फिर वो मिलने वाली नहीं, फिर से हमें बोना पड़ेगा, पूरी तैयार करनी पड़ेगी। तो वो पढ़ाई को हमने चुना कि ये आसान प्रक्रिया है जिसमें हमने अपने जीवन के 18 साल देते हैं, उसके बाद जाके नौकरी के लिए तैयार होते हैं। सर आपने जब आप तैयारी करना स्टार्ट की थी, तो आपने कोई कोचिंग गई थी या सेल्फ स्टडी से ही आपने सारा कुछ किया था? कोचिंग नहीं गया मैं, तो कोचिंग के दरवाजे भी नहीं गया, और मैं यही बोलता हूँ कि ये कोचिंग संस्थान वाले भी कोई अलग दुनिया से नहीं आते या कोई अलग गुरु नहीं होते, वे भी सामान्य व्यक्ति होते हैं, और वो भी जो हमें पढ़ाते हैं किताबों से पढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किताब के सहारा लिए कुछ नहीं बता सकता, तो वो मुझे लगता है कि अपना गुरु जो स्वयं हो गया तो उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, और सबसे बड़ा गुरु है किताब। बिल्कुल सर। एक व्यक्ति गुमराह कर सकता है, लेकिन किताब कभी गुमराह नहीं कर सकती, किताब हमेशा साथ देगी। क्योंकि देखो गुरु कोचिंग वाला, उनकी क्या हालत होती है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक क्लास लगती थी, उसमें बहुत से बच्चे थे। यस सर। एक लड़का भी था और एक लड़की थी। लड़की बहुत होशियार थी, एक लड़का था थोड़ा कम होशियार था, लेकिन क्लास में बात चली कि टीचर किसको पसंद करते हैं, कौन है टीचर का फेवरेट। तो गर्ल्स ने कहा कि ये लड़की टीचर हमारे मार्ट साहब कोचिंग वाले सर की सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसकी हमेशा टॉप करती है और हर एक सवाल का जवाब देती है। लेकिन लड़कों को कहना कि नहीं 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 वो लड़का बहुत सर का फेवरेट है, क्योंकि सर उसकी बहुत तारीफ करते रहते हैं, पीठ थपथपाते हैं। तो देखा लोगों ने, 2-4-6 दिन बाद जब ये बहस छिड़ी तो देखा कि सर जी उस लड़के के घर गए एक दिन शाम को। तो वो लड़कियों ने देखा, बोले यार ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मतलब लहसा सही में तो नहीं सर इसकी, तो मतलब ये फेवरेट स्टूडेंट है सर का। फिर उनने देखा लड़कियों की 8-10 दिन बाद फिर सर उसके घर पर मिले,
और वो लड़का भी नहीं कोचिंग आ रहा था 5-8-10 दिनों से। तो फिर लड़कियों ने पूछा कोचिंग में सर से सब के, सर आप सही आप बताएं कौन आपका फेवरेट है, ये लड़की है कि ये लड़का, क्योंकि लड़की होशियार है जवाब देती है, वो लड़का तो आप कोचिंग ही नहीं आया 10-12 दिन से, लेकिन आप उसके घर जाते हो चाय पी के आते हो तो हमें लगता है जैसे वो हो। तो सर ने बताया कि नहीं मेरी फेवरेट तो ये लड़की है, ये होशियार है, लेकिन मैं उसके घर इसलिए जाता हूँ क्योंकि उसने पिछले 10 महीने की फीस नहीं दी। तो ये जो कोचिंग का कॉन्सेप्ट है वो एक अर्निंग बेस्ड हो गया है। कोचिंग वाले आप जब पढ़ोगे तो पहले वो पैकेज बताते हैं कि इतने का पैकेज है इस साल से, अगर आप 12वीं से लोगे तो इतने का पैकेज है, 8वीं के बाद 9वीं से जाओगे तो ये पैकेज है, ग्रेजुएशन के बाद आओगे तो ये पैकेज है 3 साल का ये। मतलब एक तरीके से वो इंडस्ट्री हो गई, एक तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री है उसको। और उनका उद्देश्य ज़्यादातर पढ़ाई तो है ही लेकिन कमाई भी है, कमाई बिल्कुल। और मुझे लगता है प्राथमिकता वही कमाई है, क्योंकि वो इतना कुछ लगा कर कोचिंग शुरू करते हैं कि नुकसान पे कोई जाना नहीं चाहता। तो मैं ये बोलता हूँ किताब से अच्छा कोई गुरु नहीं, किताब ही कोचिंग है, और आप स्वयं ट्यूशन अपना अपने आप को दें, उससे बेहतर नहीं है। मैंने वही कोशिश की थी, स्वयं पढ़ा था और किसी सफलता में कोई दिक्कत नहीं आई थी। चलिए और बता दीजिए कि जो मेंस लिखने वाले हैं अभी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बहुत, जो आपने शब्द बोला मेंस, इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो इसमें आता है एम, मतलब आप ये समझो कि मेरा समझ लो, ठीक है। इसमें एक एम शब्द आता है बीच में, एम मतलब होता है लक्ष्य, और एस लास्ट में आता है, एस मतलब सक्सेस या सफलता। मेरा एम क्या है? सफलता। अगर मेंस का मतलब है तो आप समझो कि मेरा एम सफलता, मतलब मेरा लक्ष्य सफलता प्राप्त करना है। और अगर आपको सफलता चाहिए पीएससी में तो वो एम मेंस ही है, बिल्कुल। वो शब्द ही है मेंस, है शब्द है कि मतलब मेरा एम सफलता या सक्सेस। तो आपको कई लोग बोलते हैं मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया, वो बिल्कुल झूठा है। वे सब अपनी आत्मा को शांति देने के लिए और सामने वाले से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और सम्मान देने के लिए बोलते रहते हैं, और उसका इतना रोल नहीं रहता, बहुत कम लोगों पर रहता है। मैंने देखा है कि पीएससी में जो परीक्षा होती है टोटल पूर्णांक लगभग 1675 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें से 1400 नंबर की पीएससी होती है मुख्य परीक्षा, और 175 नंबर की ये होती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं इंटरव्यू में बाहर हो गया? आप इंटरव्यू मेंस में 1400 नंबर का मेंस है, उसमें 900 ले आइए, 1000 ले आइए, आपको इंटरव्यू में 50 नंबर भी मिलेंगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे, बिल्कुल सर। तो वो कहीं टॉप करने, हमने कई लड़के ऐसे देखे हैं वो मेंस में 900 नंबर लाए और उनको इंटरव्यू में 80 नंबर मिले, 100 नंबर मिले, और कई हमारी गर्ल्स रहती उनको बहुत अच्छे मार्क्स निकालते 165 मिले, लेकिन फिर भी नहीं वो वहाँ तक पहुँच पाए मेंस में, क्योंकि उनका, हाँ। तो मेंस शब्द मतलब मेरा एम सक्सेस, माई एम सक्सेस, मेरा लक्ष्य सफलता, वो शब्द ही है। तो आप मेंस पर फोकस करेंगे, मैंने भी पीएससी की तैयारी की थी तो मेंस को ही पढ़ा था मैंने, ना तो मैंने प्री पे विशेष ध्यान दिया था, एक दो बार प्री हमारा कुछ हुई नहीं, पता ही नहीं चला क्या निकल गया, कहाँ से क्या हो गया, हवा में उड़ गए। लेकिन हमारा टारगेट था मेंस की तैयारी करना, क्योंकि हमें पता था कि हमारा लक्ष्य पीएससी निकालना है, तो उसके लिए हमें मेंस निकालना पड़ेगा और बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी हमारा कुछ हो सकता है, बाकी संभव नहीं है। तो वो मेंस परीक्षा अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा, उसके लिए आपको तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, आप लिखेंगे, आदत डालना पड़ेगा, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। आप जितना अच्छा लिखेंगे, डेली लिख लिख कर पढ़ेंगे तभी संभव है, बाकी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी आज जो आदत होगी वो आप परीक्षा में लिखोगे। नहीं तो जो अभी नहीं लिखते सोचते हैं परीक्षा में लिख लूँगा, तो बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं। प्रश्न छूटना मतलब आफत, पूरा आपके साथ नेगेटिविटी हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको नंबर मिल ही नहीं सकते, बिल्कुल कभी संभव ही नहीं है कुछ। वो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 3 लड़के परीक्षा देकर निकले और उनने आपस में बात की, तो एक बोला कि मेरे 80% सही है, तो वो खुश था, बोले हो जाएंगे। दूसरा बोला मेरे 75% सही, वो भी खुश था, बोले मेरे हो जाएंगे। एक बोला मेरे 100% सही हैं,
लेकिन दुखी था, बोले तुम क्यों दुखी हो, बोले मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, बोले 100% सही है फिर क्यों दुखी हो, तो बोले मैं क्या करूं, मैं तो 50 गोले ही काले कर पाया हूं, मतलब 50 गोले काले किए उसने, 50 सही हैं, बिल्कुल हाँ, तो उसको 50 नंबर ही मिल सकते हैं, 51 नहीं मिल सकते, लेकिन जिसने 80 गोले काले किए हैं और 80 में से अगर उसके मतलब 80% सही, मतलब 64 सही हैं, तो वो सफल हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब आप अटेम्प्ट मेंस में अटेम्प्ट नहीं छूटना चाहिए, अगर आपका एक भी प्रश्न छूट गया तो आपको 0 नंबर मिलना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला आपका फूफा, आपका जीजा, आपका रिश्तेदार नहीं है कि आपको एक नंबर दे देगा, कुछ देगा, मिलने नहीं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। तो आप अटेम्प्ट करें, पहली चीज़ वो कब होगी, जब आप आज से आदत में डालेंगे, आप 3 घंटे लिखने की आदत होगी, यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं, आप जो पेन पकड़ते हैं ना अधिकतम जोर इस पे देते हैं अपन, तो आज से आदत डाल लेंगे तो आप कभी दिक्कत में नहीं आएंगे, और बहुत वो हैबिट में होना चाहिए। अब तो आप नोट्स उस स्तर के बनाए ये समझ कर कि कोई भी टॉपिक पढ़ें तो हर एक टॉपिक में 4-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, आप स्वयं से क्वेश्चन बनाएं कि मेंस में ऐसा प्रश्न आ सकता है तो इसका जवाब कैसे लिखना पड़ेगा, मेंस में इस तरह का प्रश्न आ सकता है तो उसका जवाब कैसे लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से आप अपनी आदत में डालेंगे, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। आंसर राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान, आंसर राइटिंग अभी से प्रैक्टिस करिए आप, आदत में होना चाहिए। देखिए जब आदत में नहीं होता तो आदमी के साथ क्या होता है, मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ कि धूप में निकले गाल काले पड़ गए, जो कभी नहीं निकलते पहली बार निकलते उनका क्या होता है, मतलब जो लिखते नहीं है जिनकी आदत में नहीं होता उनके साथ क्या होता है, और जो आदत में रहता है वो कितने अच्छे से रहते हैं, कि धूप में निकले पहली बार गाल काले पड़ गए, कुछ दिनों से झाड़ू ना लगने से जाले पड़ गए, और बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहे तो दौड़ गए, और जिस दिन सड़क में दौड़े उसी दिन छाले पड़ गए। तो आप मतलब सोचते रहोगे कि मैं कर लूँगा तो नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी, और आप प्रैक्टिस में ले आओगे, करना शुरू कर दोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो मेंस के लिए मेरी यही सलाह भैया कि मेरा एम सक्सेस, मतलब माई एम सक्सेस, मेरा लक्ष्य सफलता। बिल्कुल सर, लिख लिख के बहुत। हाँ तो आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, 2-3 किताबें आप रखिए, क्योंकि हर एक किताब में एक ही शब्द की अलग अलग भाषा शैली रहती है और अर्थ वही है, ठीक है, आंकड़े वही है, आंकड़े कोई किताब वाला बदल नहीं सकता, तथ्य बदल नहीं सकता, बस अपनी अपनी भाषा रहती है लिखने की बोलने की, जैसे कोई गांव का आदमी है तो उसको शुद्ध बुंदेली या देहाती भाषा में बोलोगे तो वो जल्दी समझ जाएगा, खड़ी बोली में बोलोगे तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, और इंग्लिश मोकोगे इंग्लिश बोलोगे तो और नहीं समझ पाएगा, तो वो चीज़ें हैं। आप 2-3 तरह की बुक्स रखें, फिर अपना नोट्स बनाएं, वो समझ रखिए कि आप एक किताब लिख रहे हो अपने मेंस के लिए, वो उस जो आप अपेक्षा करते हो कि आप स्वयं पढ़ो बस, तो उस तरह की आप तैयारी करेंगे, मेंस सफल हो जाएगा, मेंस ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। फिर बोलता हूँ मेरा लक्ष्य सफलता, तो उसके लिए आपको मेंस को टारगेट करना पड़ेगा, पूरे 6 विषय पे आपको टारगेट करना पड़ेगा, किसी विषय को कमज़ोर ना समझे, हर एक विषय पे आप ध्यान दें, और PSC के लिए मेरा एक ये भी सलाह है कि आपको कोई विषय विशेषज्ञ नहीं बनना, आपको सफल होना है तो आप उन टॉपिक पर जोर दें जो आज के समय पे बहुत ज़रूरी हैं, जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PSC की वेबसाइट में जाकर पुराने वर्ष के क्वेश्चन पेपर देखिए आप, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस यही कहूँगा कि आप लिखो, इतना लिखो कि वही वाली बात है ना कि जिस तरह वो वाली कि आप जो जिस तरह छिप छिप कर शांत मन से प्रेम पत्र लिखते हो, उसी तरह छिप छिप कर एकांत मन से नोट्स बनाया करो। मैं मतलब कसम खा के कहता हूँ कि ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी, तो बस विशेष जो रुचि दें अपने नोट्स बनाने में। बिल्कुल सर।